हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद स्किप टू द गुड पार्ट। मौसी यहाँ पे रेडी हो चुकी है एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल माय व्यूवर्स। देखो, मैं और मासी जो है दोनों रेडी हो चुके हैं। हमें जाना है किसी फंक्शन में। बेबी फंक्शन है, बेबी हुआ है तो उसका कोई फंक्शन है, शायद 27वां उसी में जाना है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है और मौसी यहाँ पे अभी ढूंढ रही है पॉली बैग। ठीक है, उन्हें जो गिफ्ट ले जाना था उसके लिए वो पॉली बैग ढूंढ रही थी। इतने पॉली बैग होने के बाद भी उन्हें पॉली बैग मिल नहीं रहा था। फाइनली जाके उन्हें ये येलो कलर का पॉली बैग समझ में आया कि ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला चलो भाई कुछ भी ले लो। तो ये पॉली बैग लिया हमने और अभी जा रहे हैं हम। अच्छा, तो ये रहा गिफ्ट। मौसी ने बोला चलो इस पे मेरा नाम लिख दो। तो इस गिफ्ट के अंदर एक कपड़े वगैरह थे, 2-3 कपड़े के सेट थे, फिर वो जो होता तौलिया वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं अभी लिख रही थी मौसी का नाम। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे मासी का नाम। मेरी मासी का नाम सोनी है, चलो ये भी पता ही चल गया। अच्छा, राइटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मौसी कर रही है अभी डांस, क्योंकि रेडी होने के 1 घंटे तक मौसी ने बनाया था रील, जिसका हैंगओवर अभी मौसी से उतरा नहीं है। ठीक है, तो ये लिया हमने अपना सामान, गिफ्ट वगैरह, और अभी हम जा रहे हैं पार्टी के लिए। और यहाँ पे हमने बगल वाली आंटी को हाय बाय किया खिड़की से। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं बेबी फंक्शन में। तो मैं मौसी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपना अभी ये डोर वगैरह चेक किया। ठीक है, आगे अभी हम वापस लिफ्ट में और चलते हैं फिर। अच्छा, मौसी का रिएक्शन अभी ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। मैं मौसी से, मैंने 10 दफ़ा बोला है कि मौसी तू चली जा, मुझे रहने दे यार, मैं बोर हो जाऊँगी। मौसी ने बोला नहीं 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 चलना तो पड़ेगा ही, चलो मज़ा आएगी। तो फाइनली अभी हम फ्लैट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे बेबी फंक्शन होने वाला है। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी यहाँ पे आधे घंटे, मैंने सुना आधे घंटे में यहाँ पे थी। यार, पूजा पाठ तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। ठीक है, तो फिर आधे घंटे में वहाँ पे रुकने के बाद मैं आ गई वापस से घर पे। मैंने मौसी को बोला मौसी यार आप इंजॉय करो, मैं चलती हूँ, मुझे एडिटिंग वगैरह का भी बहुत काम है। तो मैं आ गई थी घर पे और हमेशा की तरह यहाँ ताला चाबी से मेरी हो रही थी जद्दोजहद। उसके बाद ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे मौसी यहाँ पे आई। ठीक है, फिर मौसी ने बोला तू चली आई थी, इतना मज़ा आया, हमने बहुत डांस किया, भजन कीर्तन के बाद बेबी को लिया हाथ में, फिर ऐसे डांस किया वैसे डांस किया, सारी चीज़ें मौसी बता रही थी, खाने में ये था वो था। तो फिर यार 0.5% मुझे भी लगा कि यार हाँ यार मुझे भी रुक ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो फिर ये शाम का टाइम हो गया था, 5 बज के करीब हो गया था। मासी बता रही थी ये क्या वो क्या, ये सब करने के बाद चलो ये बताती हूँ। यहाँ चल रही है पानी पूरी की पार्टी। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं गोलगप्पे की पार्टी कर रहे हैं मासी की नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ। तो ये मासी के फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं। ये जो ब्लैक साड़ी में आप देख रहे हो, ये बंगाली आंटी है और इनकी तरफ से था ये पानी पूरी का पार्टी जो थी, ये आंटी की तरफ से था। बहुत ही मज़ा आ रहा था यार, और मासी की बेस्ट फ्रेंड भी थी यहाँ पे, तो हम सब मिलके ना ये पानी पूरी एंजॉय कर रहे थे। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। एक होता है ना कि यार ऐसे पानी पूरी का स्वाद आ गया था। ठीक है, सब ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे और सब बातें बातें करके खा रहे थे, तो ये अच्छा चीज़ हो गया। और ऐसे होता है ना कि दोस्तों के साथ बैठ के खाना, ऐसे बातें करना, मतलब है ना, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। और सोफे पे पीछे एक अंकल बैठे हुए थे, तो फिर चलो अभी पानी पूरी इंजॉय किया हमने सबने मिलके। और यहाँ पे और पानी पूरी के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें थी, पाव भाजी था और चाट वगैरह था, ये सारी चीज़ें। और ये बंगाली आंटी हैं जिनकी तरफ से ये पार्टी थी, तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी अच्छी पार्टी दी और मज़ा भी आ गया ऐसे साथ में सबके साथ खा के। ठीक है, शाम का टाइम था, पार्टी वार्टी किया। और चलो अभी रात का टाइम हो गया है और हम कर रहे हैं यहाँ पे पैकिंग, क्योंकि कल हमें जाना है नानी के घर। अच्छा, इस ब्लॉग में ना मैंने दोनों ब्लॉग कंबाइन कर दिया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें 2 दिन का ब्लॉग मैंने कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम कर रहे थे अभी पैकिंग करने के बाद मासी का रिएक्शन देख लो। ठीक है, मौसी ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि अभी कुछ नहीं हुआ है और तुमको बस बातें करना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी हमारी पैकिंग का क्या सीन है। ये देखो फैलावड़ा मचा हुआ है पूरी तरीके से, कल हमें जाना है और कुछ भी लिटरली पैकिंग नहीं हुई है मासी की।
मेरी हो चुकी है भाई साहब, आई एम डन विथ माई पैकिंग। तो ये जो नेल पेंट्स है ये मैंने लिए थे अपने लिए, ठीक है, मॉल से लिए थे। और ये मौसी देख रही है और बोली है जल्दी जल्दी पैकिंग करो यार, कल जाना है, कुछ छूट ना जाए, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें, ये वो यही सारी चीज़ें चल रही थी। सुनो, आने वाले ब्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम नानी के घर जा रहे हैं। तो चलो, पैकिंग हो रही है हमारी डन, और ये आ गया है नेक्स्ट डे। अभी पैकिंग होने के बाद अभी हमको जाना है वापस से स्टेशन पे। तो स्टेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं और मौसी यहाँ पे रेडी हो रही थी, और मौसी अपने पैर में आलता लगा रही, जैसे होता है ना कि ससुराल मायके जाना होता है तो हमें पैर में आलता लगाना होता है, बस वही चीज़ मौसी कर रही थी। उसके बाद मौसी की फ्रेंड और जो नेबर आंटी है वो आ गई थी नीचे हमें सी ऑफ करने, ड्रॉप करने। और मौसी की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि अरे यार तू चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगी। फिर आंटी भी बोल रही थी कि जल्दी आना बुलबुल, फिर दोबारा आना, बहुत अच्छा लगा ये वो। और जेन्युइनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबको आ गया था हमें सी ऑफ करने, और जो मासी की बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी थी। तो चलो, अभी हम कैब में बैठ के आ गए वापस से अपने स्टेशन पे, हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं हम। और ये कुछ स्टेशन का व्यू है, ठीक है, मैं मासी आ चुके हैं अभी स्टेशन पे, और चलो फिर चलते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा दूँ, ये जो ट्रॉली बैग हमने कूली किया, ठीक है, और ये मैं लिटरली पहली बार देख रही हूँ, ये कुछ नया ट्रॉली का सिस्टम आया कि सारा सामान लेके, और ये जो कूली वाले भैया हैं इन्होंने सारा सामान लिया और बड़ी ही आसानी से हमें स्टेशन पे छोड़ दिया। मतलब उन्होंने हमारे टिकट्स देखे और फिर उन्होंने बोला कि बस आप टिकट्स दिखा दो, और उन्होंने हमें अपने ट्रेन में प्रॉपर जो सीट थी वहाँ पर सारा सामान सेट वेट कर दिया। और यार ये कूली वाले भैया भी बड़े कॉमेडियन टाइप के थे, बहुत कॉमेडी कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ चुकी है अभी हमारी ट्रेन, और चलो फिर चलते हैं। और देखो, मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है, मेरा फेवरेट बिस्तर मुझे, मेरी फेवरेट सीट मुझे मिल गई है, ठीक है, साइड अपर हमेशा की तरह। और ये देखो, अभी मासी कर रही है मासी अभी अपना सीट बना रही है। उसके बाद सीट वीट पे चद्दर वद्दर बिछाने के बाद हम बैठ गए थे खाना खाने। मौसी को ट्रेन में खाना खाना बहुत पसंद है, मौसी ने बोला नहीं मैं तो ट्रेन में ही खाऊंगी, और उन्होंने इसीलिए घर पे खाना नहीं खाया कि उन्हें ट्रेन में खाना खाना था, ठीक है। फिर मौसी कर रही थी यहाँ पे मौसी जी से बात, और मैं चलती हूँ अपने फेवरेट सीट साइड अपर पे। अच्छा, मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरे इस साइड अपर सीट से क्या ही लेना देना है। सुबह के 5 बज रहे हैं और आने वाला है हमारा नानी का घर स्टेशन। यार ये जो सुबह सुबह वाली जो ट्रेन होती है ना, बड़ी बेकार होती है, ना तो तुम सो पाओ रात में, ना तो तुम सुबह सो पाओ। फिर उसके बाद मामू आ गए थे हमें स्टेशन पे लेने, और ये हम बैठ जाते हैं कार में और चलो फिर दिखाते हैं अपना नानी का घर। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने नानी के घर पे, और ये रहा मेरा नानी का घर। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो पिछले ब्लॉग्स ज़रूर देखना, तो थोड़ा कनेक्टेड फील करोगे, क्योंकि 2 महीने पहले मैं नानी के घर आई थी तो मैंने यहाँ के सारे ब्लॉग्स डाले हुए थे। और आज से कल से आपको बहुत सारे ब्लॉग्स नानी के घर के मिलेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और जब मैं कार से उतरती हूँ और नाना जी मुझे देखते हैं, तो नाना जी का रिएक्शन ये होता है कि अरे बुलबुल अभी भी अपने ब्लॉगिंग के साथ शुरू है। क्योंकि 2-3 महीने मैंने पहले ब्लॉगिंग शुरू की थी, और नाना जी को मेरी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है, नानी को, नाना जी को, और नाना नानी बहुत ज़्यादा खुश थे हम दोनों को देख के। और ये देखो नानी का रिएक्शन, फिर नानी और मौसी का भरत मिलाव चल रहा है यहाँ पे। फिर मामा सामान निकाल रहे थे, और फाइनली नानी के घर पहुंच चुके हैं। आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, और जिस लिए मैं नानी के घर पे आई हूँ तो वो भी ब्लॉग्स आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। देखो, एंड में यही बोलूँगी, आने वाले ब्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना। और थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं और इतना अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। ऐसे वीडियोस देखते रहना, साथ बने रहना। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड प्लीज़ कल का ब्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो, टाटा, बाय बाय।